हाँ हाँ मैं ध्यान से खेल रहा हूँ, तू टेंशन मत ले। एक ही एनिमी बचा है, हम लोग जीत जाएंगे। यस, विनर विनर चिकन डिनर। अरे वाशी, तू कितनी अच्छी पबजी खेलता है। थैंक यू यार। तुझे ना पबजी यूट्यूब गेमर बन जाना चाहिए। मैं पबजी यूट्यूब गेमर? हाँ बिल्कुल। तुझे लगता है मैं अच्छा गेमर बन पाऊंगा? हाँ, और क्या, इससे ना तुझे इनकम भी होगी। लेकिन यार इसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी तो डिस्टर्ब होगी। पढ़ाई भी साथ साथ में करते रहना, सब मैनेज कर लेगा तू, मुझे पता और है। मम्मी, जब इनकम होगी ना तो आंटी भी कुछ नहीं बोलेगी। अच्छा ठीक है, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। चल एक और मैच हो जाए। हाँ हो जाए, आ जा। मम्मी। हाँ बेटा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना अपना गेमिंग चैनल स्टार्ट करूँ, जिस पर ना मैं पबजी खेलूंगा। लेकिन बेटा फिर तुम पढ़ाई पर ध्यान कैसे दोगे? मम्मी आप उसकी टेंशन मत लो, मैं इस गेमिंग चैनल के साथ साथ ना अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दूंगा। काफी देर एक जगह बैठने से तुम्हारे हेल्थ पर भी तो फर्क पड़ेगा। मम्मी मैं इस चैनल को सिर्फ कुछ टाइम दूंगा, ज्यादा नहीं खेलूंगा, आप उसकी फिक्र मत करो। और वैसे भी मम्मी इस चैनल से ना मुझे अर्निंग भी होगी, पैसे भी कमा सकूंगा मैं। अरे वाह बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मम्मी। वेलकम बेटा। हाय गाइस, मेरा नाम है आशु, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपको मेरी गेम पसंद आ रही है तो फटाफट से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। विनर विनर चिकन डिनर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 200K सब्सक्राइबर्स। अगर आपको मेरी गेम पसंद आ रही है तो आप मुझे सुपर चैट भेज सकते हैं और मैं आपको दूंगा शाउट आउट। गाइस 10,000 का सुपर चैट आया साक्षी की तरफ से। थैंक यू साक्षी। साक्षी ने लिखा है प्लीज प्रमोट माय यूट्यूब चैनल, गाइस चेक आउट हर यूट्यूब चैनल। 50 रुपीज का सुपर चैट भी आया जीतू की तरफ से, थैंक यू जीतू। थैंक यू गाइस फॉर 1,000,000 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू श्रद्धा फॉर सुपर चैट। गाइस कीप सेंडिंग सुपर चैट्स। Yes, winner winner chicken dinner. Yes, that was a great match guys. I can't believe मेरे 5,000,000 subscribers हो गए हैं। एक और match हो जाए। चलो guys, मैं new match start कर रहा हूँ। बेटा बहुत रात हो गई है, सो जाओ। अरे मम्मी अभी आप क्यों आए हो? मैं हार गया ना गेम, मुझे अभी नहीं सोना, अब जाओ। पर बेटा सॉरी गाइस, कुछ ना ग्लिच हो गया होगा, एक हॉर गेम स्टार्ट करते हैं। गाइस वी आर क्लोज टू विनिंग। आशु बेटा हाँ? चलो डिनर करने, खाना ठंडा हो रहा है। मम्मी खाना 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 खा लूंगा, अभी आप मुझे गेम खेलने दो प्लीज, अभी आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्या हो गया इस लड़के को? गाइस आई एम सॉरी, मैं ये मैच हार गया, हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं।
चलो। न्यू ईमेल। कॉन्ग्रेचुलेशंस आशु, यू एंड योर टीम आशु रॉकर्स इज सिलेक्टेड फॉर PMCO टूर्नामेंट। आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली। सी यू सून इन दिल्ली। मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी मुझे एक ईमेल आया है। अभी लास्ट चैप्टर में पहुंच गए हैं आशु रॉकर्स और डेविल रॉस। देखते हैं इस साल का PMCO कौन जीतता है। यस। और आशु रॉकर्स की टीम बनती है इस साल की विनर। ये लो बेटा वाटर बॉटल। थैंक यू मम्मी। बेटा परसों हम चाचा जी के घर जा रहे हैं जगराते के लिए। एक हफ्ता वहीं रहेंगे तो तुम भी अपनी पैकिंग कर लेना। एक हफ्ते के ट्रिप के लिए तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है मम्मी। एक हफ्ते के लिए मैं नहीं जा सकता मम्मी, मुझे लाइव पबजी खेलनी होती है और ऊपर से एक हफ्ते तक अगर मैं लाइव नहीं आया ना तो मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे नाराज हो जाएंगे और ऊपर से इनकम में भी तो फर्क पड़ेगा। मम्मी मैं कजन से ना बाद में मिल लूंगा। बेटा इस गेम में तुम इतना इन्वॉल्व हो गए हो कि अपनी पर्सनल लाइफ भी भूल गए हो। अरे कितना बदल गए हो तुम। मम्मी प्लीज अभी लेक्चर नहीं, मुझे लेट हो रहा है। आशु बेटा। मम्मी मम्मी क्या हुआ बेटा? मम्मी मेरा ना बहुत सर दर्द हो रहा है और साथ में ना पीठ भी दर्द हो रही है। पूरे टाइम एक जगह बैठे रहते हो, थोड़ी देर के लिए भी अपनी जगह से नहीं हिलते। क्या आप भी? मैं बोल रहा हूँ आपको मेरा सर दर्द हो रहा है, आप मुझे लेक्चर दे जा रहे हो। अब जाकर मेरे लिए दवाई लेकर आओ ना प्लीज। ठीक है लाती हूँ। एटैक्स है तेरे पास? हाँ मुझे दे दे। हाँ हाँ ड्रॉप कर दे, ड्रॉप कर दे। ओके। आशु बेटा तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? मम्मी मैं खा लूंगा। कितने कमजोर हो गए हो तुम एक जगह पर काफी देर तक बैठे रहने के कारण। हाँ जग्गू। मुझे पता है पबजी बैन हो गई है। पबजी बैन? अरे ऐसी न्यूज ना पहले भी आई थी, तू ऐसी न्यूज पे ना विश्वास मत किया कर। यकीन नहीं हो रहा है ना तो न्यूज लगा कर देख ले। न्यूज लगा के? अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, सरकार ने की घोषणा कि और 47 एप्स हमारे देश में बैन होंगे जिनमें से एक है पबजी। इससे पहले भी हमारे देश में सरकार की तरफ से 59 एप्स बैन किए जा चुके हैं। देखना होगा कि इस बैन का युवाओं पे क्या असर होता है क्योंकि यह गेम युवाओं में खासी प्रचलित है। आइए इस बारे में अपने संवाददाता से बात करते हैं। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, पबजी को भी अभी बंद होना था, अब मैं क्या करूंगा? कोई बात नहीं, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये गेम बंद हो जानी चाहिए तो इट्स ओके, हमें उनके डिसीजन की कदर करनी चाहिए क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं। अगर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा।
मम्मी। हाँ बेटा। अरे बेटा, अरे आशु, ये कर क्या रहे हो? अरे अरे बेटा, आज तुम इतने बदले बदले क्यों नजर आ रहे हो? मम्मी, मैंने रियलाइज किया है कि गेम खेलने और पैसे कमाने की धुन में मैं कितनी सारी चीजें मिस कर रहा था। आप लोगों के साथ बाहर घूमने जाना, आप लोगों के साथ बैठकर खाना खाना, फ्रेंड्स के साथ खेलना, बाहर जाकर मस्ती करना। पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ रहा था और साथ ही साथ मेरी हेल्थ पे भी। लेकिन अब मैं वापस से पहले जैसी अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें रियलाइज हो गया है कि तुम क्या मिस कर रहे थे। हाँ मम्मी। मम्मी, मेरे राजमा चावल बनाओ ना। ठीक है बेटा, बनाती हूँ। आशु बेटा, अरे ये तो पहले की तरह जल्दी सो गया। पबजी मोबाइल संचालन की पूरी जिम्मेदारी चीन की टेंसेंट गेम से लेने वाला है। पबजी की हो सकती है वापसी। पबजी वापिस आ रही है, यानी कि आशु का रूटीन पहले जैसा हो जाएगा। आशु बेटा, जरा इधर आना। हाय मम्मी। हाँ मम्मी। बेटा, मैंने कल तुम्हें कहते सुना कि पबजी वापस आ रही है, क्या ये सच है? हाँ मम्मी। बेटा, मुझे पता है गेमिंग तुम्हारा पैशन है और तुमने कितनी मेहनत से चैनल बनाया है। बेटा, तुम दोबारा गेमिंग शुरू कर सकते हो, लेकिन बेटा इस बार तुम इस गेम को कुछ घंटे ही खेलना और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर रखना। ठीक है मम्मी, अगर ये पबजी गेम सच में वापस आती है तो मैं इस गेम को सिर्फ 1 से 2 घंटे ही खेलूंगा, ताकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ और पढ़ाई पर ध्यान दे सकूं। एंड थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। बेटा, आई एम ऑलवेज विथ यू। That was a great match, guys. अब मिलते हैं कल शाम को। मोनू की सुपर चैट आई है। आशु, आजकल बड़े कम टाइम के लिए खेल रहे हो। गाइस, अब से मैं सिर्फ 2 घंटे ही खेला करूंगा। ओके? तो अब मिलेंगे हम कल शाम को। बाय गाइस, टेक केयर। हाय गाइस, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे 12 PM, क्योंकि हमारी वीडियो आती है एवरी सैटरडे दोपहर 12 बजे, याद रखना। तो फटाफट से मुहकनी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन भी दबाएं एंड सब्सक्राइब करें टू मोहकनी।